हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत एक और नए स्वागत वीडियो में। है। और आज के इस वीडियो में जो है सो हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है जीआई टैग, जिसको हम लोग बोलते हैं। और हम जो है सो आज के इस वीडियो में जो है सो 2019 में जितने भी जो वस्तुएँ हैं उसको जीआई टैग दिया गया है, वही सारे जो वस्तु है उसको लेकर के हम आज के इस वीडियो में आ गए हैं। और ये सारे जो अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, सारे जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लेटेस्ट लेटेस्ट जो भी जो है सो 1 साल 2 साल के अंदर जो है सो जीआई टैग जो जो वस्तुओं को मिला है और कौन कौन से राज्य में मिला है, यही सारे चीज़ को जो है सो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के पहले हम इस यहाँ वीडियो को पे हम लोग बिहार राज्य को देखने वाले हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में जो है सो किस किस वस्तु को जो है सो जीआई टैग जो है सो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है आपका, 1 नंबर में दिया गया है सिलाव खाजा को, यहाँ पे दिया गया है जीआई टैग। उसके बाद सेकेंड है जरदालू आम, इसको जो है सो दिया गया है जीआई टैग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3रा नंबर पे है शाही लीची, और 4था नंबर पे है मधीपान। बिहार में टोटल यहाँ पे 4 वस्तुओं को जो है सो दिया गया है जीआई टैग। पहला कौन सा है? सिलाव खाजा। सेकेंड है जरदालू आम। तीसरा है आपका शाही लीची, और 4th नंबर पे है मगही पान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट राज्य कौन सा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आपका, ये देख सकते हैं महाराष्ट्र। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से वस्तु को जो है सो जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो 1 नंबर में यहाँ पे आ जाता है आपका अल्फासो आम। सेकेंड कौन सा है? सांगली हल्दी। सांगली हल्दी को जो है सो जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। अगला अगला यहाँ पे आ गया आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे टोटल देखें तो 3 वस्तुओं को जो है सो जीआई टैग दिया गया है। 1 नंबर में यहाँ पे है रसगुल्ले, सेकेंड 6 मुखौटा, और 3रा है यहाँ पे गोविंद भोग चावल, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन से वस्तु को दिया गया है। एक है आपका रसगुल्ला, रसगुल्ले, सेकेंड है 6 मुखौटा, और 3रा है आपका गोविंद भोग चावल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अगला कौन सा है? अगला यहाँ पे आपका आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में देखेंगे कि कौन कौन से वस्तु को जीआई टैग जो है तो दिया गया है, ठीक है। 1 नंबर में यहाँ पे है आपका ईरोड हल्दी। सेकेंड है आपका तिरुभुवन सिल्क साड़ी, तिरुभुवनम सिल्क साड़ी को जो है सो तमिलनाडु में जो है सो इसको दिया गया है जीआई टैग। वहाँ पे जो है सो वहाँ का जो सिल्क साड़ी है तमिलनाडु का काफ़ी फेमस होता है, इसी कारण से जो है सो इसे जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ का जो ईरोड हल्दी है ये भी जो है सो काफ़ी फेमस है, और जैसा कि आपको मालूम है कि वैसे ही वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है जो वस्तु जो है सो उस एरिया में काफ़ी पॉपुलर होता है, और उसके साथ साथ जो है सो उसको जो है सो देश के अन्य क्षेत्र में जो है सो वो जो है सो काफ़ी पॉपुलर होता है वहाँ के नाम से, ठीक है। वैसे वस्तु को जो है सो जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे जो है सो केरल। केरल को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे केरल में कौन कौन से वस्तु को जो है सो जीआई टैग जो है सो दिया गया है, ठीक है। सबसे यहाँ पे पहला देखें तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, यहाँ का जो वायनाड का रोबस्टा कॉफ़ी है वो काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए जो है सो इसे केरल में जीआई टैग जो है सो दिया गया है, ठीक है। और केरल के एक वायनाड, यहाँ पे एक वायनाड शहर है वहाँ पे जो है सो ये कॉफ़ी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का मरयूर गुड़, मरयूर गुड़ जो है सो काफ़ी फेमस है। ये एक जो है सो देसी तरीके से बनाया जाता है, और इसमें जो है सो केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, और वहाँ पे जो है सो ये गुड़ काफ़ी फेमस है, इसीलिए जो है सो मरयूर गुड़ को यहाँ पे जीआई टैग जो है सो दिया गया है। 3rd नंबर पे यहाँ पे है आपका वृक्ष नीलाम्बर टिक। वृक्ष नीलाम्बर टिक को जो है सो यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला मेरा आ जाता है यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में देखेंगे कि कौन से वस्तु को जो है सो जीआई टैग जो है सो दिया गया है। सबसे पहला हमारा है सिरसी सुपारी। कर्नाटक का जो सिरसी सुपारी है काफ़ी पॉपुलर है, और इसीलिए जो है सो इसे जीआई टैग दिया गया है यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कौन सा है? अरेबिका कॉफ़ी। सेकेंड आपका यहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी है, इसको जो है सो जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। अगला 1 नंबर में सिरसी सुपारी, और सेकेंड अरेबिका कॉफ़ी, ये 2 वस्तुओं को जो है सो जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक में। और उसके बाद यहाँ पे जो है सो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है सो 1 वस्तु को दिया गया है, और यहाँ का जो कड़कनाथ मुर्गा है काफ़ी पॉपुलर है, और इसीलिए जो है सो इसे जीआई टैग जो है सो दिया गया है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जैसे आपको मालूम है कि यहाँ का जो कुल्लू सोल है ये जो है सो काफ़ी पॉपुलर है, और हिमाचल प्रदेश एक जो है सो कैसा एक ठंडा एरिया है, यहाँ पे जो है सो ठंड काफ़ी लगता है। शिमला, यहाँ पे शिमला जो है सो यहीं पे है, हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो शिमला है, और यहाँ पे आपको मालूम है कि काफ़ी ठंड होता है, इसलिए जो है यहाँ का एक सॉल है जिसका हम लोग नाम क्या है कुल्लू, कुल्लू सॉल जो है सो यहाँ का काफ़ी फेमस है, और इसको जो है सो यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू सॉल है इसको जो है सो जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सो
कुछ और जो है सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है उसको जो है सो देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे पहला बात करें हम लोग तो सबसे यहाँ पे पहला बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक नंबर में यहाँ पे है आपका बनारस यूपी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक यहाँ पे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी जो है सो काफ़ी जो है सो पॉपुलर है, तो ये भी आपको याद रखना है बनारसी साड़ी, ये याद रखना है। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक दो और है जिसको हम लोग जो है सो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपका अरकू कॉफ़ी है, अरकू कॉफ़ी, अरकू कॉफ़ी जो है सो आपका हिमाचल प्रदेश में जो है सो इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। हिमाचल, इसको जो है सो हिमाचल प्रदेश में जो है सो जीआई टैग दिया गया है, और अरकू कॉफ़ी जो है सो काफ़ी जो है सो पॉपुलर है, ठीक है। और यह अभी हमने किया यहाँ पे जीआई टैग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो है सो देखें कि कौन से राज्य में जो है सो कौन से वस्तु को जो है सो जीआई टैग दिया गया है, और ये जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है सो इसको एक बार जो है सो अच्छे से जो है सो वीडियो को फिर से देखिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो जो है सो आप पूछ सकते हैं, और कुछ जो वस्तु है अगर छूट गया है तो आप जो है सो उसको कमेंट कर सकते हैं, वो सारे वस्तु को। इसमें जो है सो कुछ दो चार वस्तु मान लीजिए छूट ही गया होगा, बहुत सारे वस्तु हैं टोटल अगर तक देखा जाए तो 100+ जो है सो वस्तु यहाँ पे जिनको जो है सो जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो है सो देने का शुरुआत कब से किया गया था, इसको जो है सो 2002-03 से जो है सो इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी तक जो है सो देखा जाए तो भारत में कुल जो है सो लगभग 200+ जो है सो वस्तुओं को जो है सो जीआई टैग दिया जा चुका है, और हमने यहाँ पे वो सारे वस्तु को नहीं किया है, कुछ इंपॉर्टेंट वस्तु हैं जिनको जो है सो हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है, वो सारे वस्तु को जो है सो ये वीडियो में हमने इंक्लूड किया था। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है सो मिल सकेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। Subscribe now and press the bell icon.